हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2 का पेपर, जो कि रेलेवेंट है बीकॉम सेमेस्टर 4 के लिए। तो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। What do you mean by internal reconstruction? Discuss the procedure of internal reconstruction. उसके बाद numerical question है, तो उसको आप जल्दी से note कर लीजिए। तो ये numerical question जो है, इसको जल्दी से note कर लीजिए, इसका screenshot ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, डेट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 50% थ्योरी है, 50% न्यूमेरिकल है। तो सेक्शन बी के अंदर जो है 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने लिक्विडेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो उसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बोनस टू ए पॉलिसी होल्डर, तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डेट इज़ थ्योरी है, एक्सप्लेन दी प्रोविजन गवर्निंग दी प्रेपरेशन ऑडिट एंड पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डेट इज़ ऑल्सो थ्योरी, व्हाट आर दी वेरियस मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। फिर उसके बाद सेक्शन सी जो है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसको नोट कर लीजिए। अब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन, रेमुनरेशन, परचेज मेथड, कैटास्ट्रोफ रिजर्व, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, नॉन बैंकिंग एसेट्स, एनुटी पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, डेफिशिएंसी अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।